वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का समान लेकर आया है ढेर सारी खुशियाँ, तो चलिए आइए मिलकर ये खुशियाँ बांटे। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। ईद का समा का बाकायदा आगाज करते और आपको आज बताती चलूँ कौन से खास मेहमान हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज मारूफ कवाल शेरमिया दास साहब, हमारे साथ हैं मशहूर गुलूकार मलकू साहब, मशहूर गुलूकारा सारा अल्ताफ। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। ईद मुबारक आपको भी। बहुत थैंक यू जी, खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई आपका, मलकू साहब आपका, सारा साहब आपका और तमाम देखने वाले जो नाज़रीन हैं दुनिया भर में, आप सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और ये खुशी का दिन है और आपकी खुशियों को दुबला करने के लिए पाकिस्तान के वो नुमायाँ लोग, वो नुमायाँ नाम जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है अपने अपने शोबों में, लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। और आज यकीनी तौर पर यहाँ पर जब हम ईद के दिन में, ईद में मौजूद हैं, तो आज भी आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और यकीनी तौर पर आप ईद की खुशियाँ आपके दोबाला होंगी। मलकू साहब, कैसी गुजरती है ईद सर? ईद बड़ी मज़े की गुजरती है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और पुराने दोस्त यार मिलते हैं, क्योंकि वो लोग जो दुआएँ हमारे लिए करते थे कि अल्लाह आपको बड़ा नाम दे, स्टार बनाए, अब वो कहते हैं कि ठीक है दुआएं हमने मांगी थी लेकिन थोड़ा टाइम निकाला कर रहे हैं। उन्होंने कहा दुआएं मांगी थी कि अल्लाह बड़ा नाम दे, स्टार दे, लेकिन अब हमारा ख्याल भी रखे, साथ मुलाकात का वक्त भी निकला। हाँ, लेकिन एक दोस्त बड़ा अच्छी बात करता है मेरा ना, वो कहता है कि यार आपसे लड़ भी नहीं सकते कि आप टाइम नहीं निकालते, कहते दुआएं भी हमने ही मांगी थी, तो अब कहते हैं चले कोई बात नहीं। तो ये है कि अच्छा लगता है फैमिली के साथ। और ये बुशरा एक बड़ी अच्छी चीज है, आगे चलकर बात करेंगे। ईद का मलकू ने सॉन्ग भी गाया, वो भी यहाँ पर आगे से सुनेंगे। इनको हम ऐसे जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। अपने सारे फेवरेट सॉन्ग्स जो ना मैंने लिस्ट बनाई हुई, वो मैंने आपसे टर्न बटन सारे फेवरेट सॉन्ग्स, लेकिन मेरा जो अब जो भी गाना आता है वो किसी और तरफ लोग ले जाते हैं। सारा जी भी अभी हमें सुनाएंगी अपने आवाज में। और जब हम बात करते हैं शेरमिया दास साहब से, तो बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले आप ईदी बांटते हैं, मीठा भी खा लेते हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह के ये पिछली जो ईद थी वो मेरी मेलबर्न में थी गुजरी। हाँ, ईद से पहले इकट्ठी करते हैं उसके बाद बांटते हैं। सारे क्या बात है, सारे चैनल से ना ईदी इकट्ठी करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर वो मेलबर्न था तो शो तो हो गया ईद का, उसके बाद सारा दिन बोर गुजरा। फिर अभी भी मुझे उन्होंने बुलाया तो, लेकिन मैंने कहा जी मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकूँगा। तो ये ईद जो मेरी है ये पाकिस्तान में अपने फैमिली के साथ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईद जो नाम है मिलन का, ठीक है, जिस तरह हाँ मेला है समझे, जिस तरह रिश्तेदार, अब सेम लाइक जिस तरह मेरे भाई बैठे हैं, आप हैं, ये हैं, तो ये भी एक ईद है हमारी, ईद है, हम मिल गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह पाक ऐसे कहते हैं ना हज़ारों ईद आए अपनी ज़िंदगी में कि आप अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ईद स्पेंड करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, अल्लाह ऐसी ढेरों खुशियाँ दे हमें, हम सबको, आप सबको। सारा जी आप बताइए, ईद देती है? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से और ईद मुबारक, और हमारे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आज यहाँ पे आके, और इतना खूबसूरत ये मौका आता है, बट आर्टिस्ट के लिए यू नो टाइम बहुत कम होता है कि आप फैमिली को कम टाइम दें, बट ये ऐसे होते हैं ओकेजन्स जिस पे थोड़ा बहुत टाइम आप दे पाते हैं, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आके मिलके, और होपफुली आज बड़ा टाइम फन होगा, बहुत मज़ा आ गया ईद का दिन है। अच्छा, जैसे वर्क में भी बात की सारा साहबा ने कि ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आप अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो ईद का ख़ास इंतज़ार करते होंगे, जैसे अभी शेर साहब ने जिक्र किया कि मैं तो बाहर गया नहीं इस मरतबा कि मैंने अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारा। ईद वैसे भी मैं समझता हूँ कि फैमिली से मेल मिलाप का, सिर्फ फैमिली नहीं, मतलब जो इंटीमेट फैमिली नहीं, आपके कज़न है, आपके बहन भाई हैं। मैं तो हमेशा ये जो टाइम ईद का होता है कि आपका प्रोग्राम करूँगा, आई मूव टू माई विलेज, मैं अपने गाँव चला जाऊँगा, वो जो पुराने मेरे यार दोस्त हैं, वो जट्टू मोसनी मुल्ला वो भेड़े चराता है, तो मेरे ऐसे दोस्त हैं, उनके साथ जाके मुझे वो अपना बचपन याद आता है। और मैं दूर से क्या क्या लगते हैं, हाँ हाँ दूर से, और वो जिस नाम से वो पुरानी बातें, वो कैसे यस, वो आप लोग ताज़ा करते, कैसे किन्नू चोरी करते थे, कैसे वो लुकड़ मिट्टी, आजकल तो बच्चों के पास टाइम ही नहीं है मेरे ख्याल, ये गेमें है ही नहीं आजकल, तो मैं समझता हूँ कि वो जो गैजेट्स आ गए उन्होंने आके बर्बाद कर दिया है। हमारा बचपन बहुत अच्छा था, और मैं अक्सर अब कहता हूँ खान साहब कि हमारी आखिरी पीढ़ी है,
जिसमें ये रिश्तेदारी है, रिलेशंस है, आगे तो बिल्कुल गोरे आ जाएंगे बच्चे, उनको कोई पता नहीं कि कौन मामू है कौन चाचू है। यस, तो लेकिन ये जो आपके गाने हैं ये मिलाए रखते हैं लोगों को। मैं वही लिखता हूँ जो लोग सुनना चाह रहे होते हैं, और बड़ी सिंपल सी वर्डिंग होती है, और मैं समझता हूँ हर बंदे के दिल की आवाज़ होती है, और मैं एक रेडी वाले से लेके एक मजदूर से लेके एक लीड क्लास तक लिखता हूँ, दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि एक रेडी बांध से लेके हवाई जहाज उड़ाने वाले तक। यस यस, ऐसे ही है, दिलों की आवाज पहचानते हैं। और सच ये है कि मेरे मुल्क का, खान साहब इसको सेकंड करेंगे, मेरे मुल्क का कल्चर बहुत रिच है, बिल्कुल हम उससे दूर हो रहे हैं। मैंने मास्टर इंग्लिश में किया, बट मैं ऐसी ठेठ पंजाबी लिखता हूँ जो मेरी अपनी है, जो मेरी रूह है, जो एसेंस ऑफ दिस जो सरजमीन है मेरी, उसका है मट्टी का, मैं वो लिखता हूँ। बात की आपने, बिल्कुल मट्टी का। और खान साहब, जैसे अभी मलकू साहब ने जिक्र किया है कि ईद मिलन का नाम है, वापस जाते हैं, अपने गांव जाऊंगा, वहां पर वक्त गुजारूंगा, आप ईद कहां पर, कितना वक्त लाहौर और कितना वक्त वापस जाते हैं पाक पतन की तरफ? मेरा, क्योंकि मैं आई हैव अ टू फैमिली, तो मेरा आधा वक्त लाहौर गुजरता है, हफ्ते में 3-4 दिन लाहौर, 3-4 दिन पाक पतन शरीफ में। पहला जो फर्स्ट डे होता है वो पाक पतन शरीफ होता है, सेकंड डे मेरा लाहौर में होता है। और जिस तरह इनकी बात को मैं सेकंड करूँगा, ये बड़ी अच्छी बात की, जिस तरह हमारी फैमिली 650 साल या 700 साल से मुंसलिक है कवाली के साथ, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने भी इसी तरह सलीस किया कवाली को, सिंपल सिंपल सिंपल, और फोक टच दिया। पहला कवाल अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा सकता है कि कवाली में किसी ने फोक अगर मुतारफ करवाया तो अल्लाह पाक ने वो मुझे मौका अता किया कि मैंने इतना सलीस लिखा, इतना सलीस इसको किया कि वाकई वो एक रेडी से, और स्टार्ट भी मेरा रेडी से हुआ। अच्छा, यानी जिस बंदे ने मेरा, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी अता करे, जो पहला कैसेट मेरा किया था, तो अल्लाह दिता काले खान का नाम था, तो रेडी से उसने मेरी वो कैसटें शुरू की। उस वक्त ये होता था कि उसने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कैसटें, अज़ीज़ मियाँ साहब, गुलाम फरीद साहब, बदर मियाँ दार खान साहब, उनकी कैसटें रेडी पर लगाई होती थी, 7 इतने टेप होते थे, तो उसने मुझे रिलीज़ किया, तो उसने अपनी कंपनी का नाम भी उस वक्त गंजशेखर कैसेट हाउस रखा था। तो पहला मेरा जो वॉल्यूम था, चिड़ियाँ बोल दियाँ, मैं टक्कियाँ चढ़ आई, असा तो फरीद ना दिल ला लिया, तो वो वहाँ से शुरू किया। डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इनोवेशन करते हैं। और जो जो फनकार रात को अपनी ऑडियंस को उन्हें ना देखता दिमाग में, ठीक है, वो मैं समझूंगा अल्लाह कामयाब करे तो जिसको मर्जी करे, लेकिन एक फनकार का ख्वाब उसकी ऑडियंस होती है। मैं सच बताऊं, मैं जब कंपैरिजन करता हूं ना, अगर कवाली में देखा जाए तो खान साहब ने वो गाया है या मैं वो लिखता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के फॉलोअर हैं। अच्छा। इनको पता है कि आपने अपनी कौन सी ऑडियंस को कैटर करना है, आपने कौन ये भी बड़ा अहम है। और देखो, हम जो गाना लिखते हैं या गाते हैं, मैं अपनी ऑडियंस को सामने रख के, देखिए हमारा पॉप ये रॉक हमारा है ही नहीं। आज भी देखें खान साहब, आप जब भी हिट हुआ है पाकिस्तान के, इसमें फोक हिट हुआ है, फोक हिट हुआ है, सही, बिल्कुल सही, क्योंकि आप अभी तक कल्चर बॉलीवुड में फोक होता है, उनको जरूरत पड़ती है, फोक चल रहा है, पंजाबी चल रही है, लेकिन रॉक पॉप हमारा म्यूजिक ही नहीं है, हम एक इंस्ट्रूमेंटल चेंज कर सकते, बट द मेलोडी इज फोक। जब फोक मेलोडी होती है तो उड़ा कर रख देती है। अब मेरा गाना खासा नकदा कोका, अब बच्चों को जो मम्मी रेडियो को समझ नहीं के टठारा तोका, लास्ट नाइट आई ड्रॉप माय नोज, चलिए आप सुनाइए फिर नकदा कोका ताकि सुन ले जिन्होंने लोग, आपने नकदा कोका गाना है, लोग सुनने वाले दोनों को मिल लीजिए, हमारे ऊपर तो नहीं जी, आप नकदा कोका गा के सुनाइए, सारा आपने भी साथ ही, मैं तो क्राइम पार्टनर के गाना है, क्राइम पार्टनर है, क्राइम पार्टनर है, और पार्टनर इन क्राइम, हां यस, कोके में जी इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और हमने 10-12 गाने बनाए, तो मुझे आता था खान साहब, मैं कहता यार ये कोका कुछ करेगा, अच्छा बड़े गाने थे, और 10 गाने हम, हाँ, और एक इनकी बड़ी प्रेडिक्शन होती होती थी, जब भी कभी शो पे जाना या परफॉर्मेंस के बाद, तो ये मुझे हमेशा ये चीज़ प्रेडिक्ट करते थे कि ये इट विल बी योर रिकॉग्नाइजेशन, तो मैं यस, मैं फिर उस टाइम बड़ा वो होती थी हैरान की पता नहीं किस मूड में बात कर रहे हैं, बिकॉज म्यूजिक किया है हमें, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, या अल्लाह की जब रहमत होनी हो तो वो लफ्ज़ निकलते हैं। खासा बड़ी मजे की बात है, किसी का दोस्त है, उसने कहा कि ये बड़ी म्यूजिक लाइक एलीट म्यूजिक लाइक शकीरा बियॉन्से सुनती है, इसके दोस्त ने फोन किया, लेस सारी जिंदगी शकीरा गांधी रही है, तो फोक तो हिट हो गई, कोका नकदा ढै पियाए।
जदन दा तू टुरिया पले कख भी न रह गया है। नक दा कोका ठट्ठा रतों का आए, नक दा कोका ठट्ठा रतों का, लब लब थकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। हाय नक दा कोका ठट्ठा रतों का, लब लब थकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला कलिया दिल हुण नहीं लगदा। हाय नक दा कोका ठार तोका। देसी बकरा गोश्त लेना पुटदा है, निकी निकी गल तू अजकल ढोला बड़ा रुसदा है। हाय नक दा कोका ढठार तोका, हाय नक दा कोका ढठार तोका, लब लब थकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला कलिया दिल हुण नहीं लगदा। मंडी दा सौदा लैना थोकदा है, किवें मैनू छड़ना है, रोज सकीमा सोचदा है। हाय नक दा कोका ठट्ठार तोका, हाय नक दा कोका ठट्ठार तोका, लब लब थकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। नवी हुंडाई पालक लद के पई जावे, जिन्ना तेनू भुलदा ओनी तेरी याद ही पई आवे। हाय नक दा कोका ढठार तोका, हाय नक दा कोका ढठार तोका, लब लब थकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला कलिया दिल हुण नहीं लगदा। नवी करोला हौली हौली गेर तुला माया, मैं मर वैसा तू परदेस न जा माया। हाय नक दा कोका ढठार तोका, हाय नक दा कोका ढठार तोका, लब लब तकिया नहीं लभदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। बहुत अच्छे आला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्यारा गाया और कमाल हो गया। और मलकू साहब लाइव फैन हो गई। हाँ 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 बहुत प्यारा, कमाल हो गया। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि जैसे अभी मलकू साहब ने बताया ना, शकीरा गाते गाते फकीरा से मशहूर, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। मेरी पूरी टीम जो मलकू स्टूडियो की टीम थी, सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि सारा ये गाना नहीं गा सकते और ये नहीं गाएगी, क्योंकि ये मेरा जॉनरा नहीं, इसका जॉनरा नहीं है। लेकिन देख ले पहला गाना खान साहब ने कर, अब जी सारी रात ये बहस हुई है और सब ने कहा जी नहीं गाना, फला फला लड़की गाएगी, इसका फोक टोन है। ये मेरी लाइफ का सबसे जो चैलेंज था ना, इन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, ये पहला चैलेंज था कि जिसमें मैं बिल्कुल ना अपने आप को और दिल छोड़ने के नहीं, आज शायद मैं आप ही गाया। आज एक बड़ी दिलचस्प चीज है, आज बड़ी दिलचस्प चीज है, जब आपने भी ब्लैक पहने हुए हैं, आपने भी ब्लैक पहने हुए हैं, मुझे एक ज़हन में एक चीज आ गई है, वो आपने काला गाना गाया था जो कि ढोले नू काला सूट, काला सूट, अगर वो सुना दे तो
अच्छा जी, फरमाइश आ गई आपके तरफ खान साहब, जिस तरह मलकू साहब सुना रहे हैं ना, मैं भी आपको इसका वाक्य अच्छा फरमाइश आ गई है, सुनाई नहीं वाक्य सुनाई, क्योंकि कव्वाली से हटके तो कभी भी नहीं सोचा था कभी इस तरह। तो कोविड का था, कोरोना तो बैठे बैठे ना मुझे अजीम कहने लगा कि आप भी गाना कोई गाएं, कोई जिस तरह शादियों में, मैं भी फील करता था यार वो जो मार्केट है वो नहीं कैप्चर हो रही, तो शादी ब्याह में वाकई हमारा गाना नहीं क्यों था, मेरा था ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो वो ऐसे एक लाइन आई मेरी कंपोजिशन थी, बाबा दा साया मेरे सिर ते रवे, कंपोजिशन पहले थी उस पर, फिर मुझे भी शौक है, कीड़ा है, मैं भी लिखने का बहुत, नहीं वो लगता है कि आपकी कंपोजिशन है, अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उस पर मैंने लिखा तो वो 5 मिनट में लिखा गया, और जब किया तो अच्छा मैं, मुझे नहीं पता था कि ये क्या, अच्छा मैंने करके ना अच्छा मैं आ गया। अब उस चीज़ को महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, तो रिकॉर्डिस्ट था अजीम, तो मुझे कहने लगा गाना बड़ा हिट होने वाला है, मेरा ड्राइवर अब्दुल्ला भी कहता वायरल होने वाला गाना, इसको कर सूट सोना लगे। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो यार, लेकिन अंदर से मैं मुतमईन था यार, ऊपर से हमारी जो डॉली थी जो इसमें जिन्होंने अदाकारी करी परफॉर्म करना था, अच्छा मेरा पहला था, जब वो मेरे साथ आई तो मैंने कहा मैं कव्वाल हूँ, मैं इसके साथ अगर थोड़ा सा भी इस तरह हो गया तो बाबा नाराज ना हो जाए, तो नहीं बाबा नहीं लोग नाराज हो जाए, लोग कहते हैं हाँ बाबा जी का तो हुक्म था, मैं कहा बाबा नाराज ना हो जाए, नहीं नहीं तो वो अच्छी बात बात तो सही है, रिलीजियस क्योंकि हम करते हैं, यस यस बात यही वगैरह, बात अच्छी बात, तो इस चीज का भी होता है। फिर वैसे भी अपना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, जब पहला शॉट हुआ ना सुने मेरी बात, पहला उन्होंने कहा जी अच्छा वो डोली आएगी और आपको वो इस तरह आपने अस्थाई कहनी है, डोले नुकाला सूट सुन लगे तो उसने आपके इस तरह टच करना है। अब वहाँ से मैं रह गया, मैंने कहा या अल्लाह ये तो नहीं, डोली तो रहेगा या वैसे रहेगा, नहीं मैं वैसे ही अच्छा और हर बंदा तो तरह तो नहीं सेम टू यू है जब उन्होंने इस तरह किया ना मुझे, तो उसके बाद सारी रात मैं नहीं सोया, डर में, क्यों इसीलिए डर में नहीं सोया, ऐसे हो जाए तो हाँ कि यार ये सुबह जब किसी ने देख लिया तो बुरा, तो ये तो बड़ा जी जी बिल्कुल सही है। अब मैं अल्लाह से दुआएं कर रहा हूँ या अल्लाह ये शॉट ना लगे या अल्लाह, अच्छा वही बात हुई, पहले मुझे जो कॉल सुबह रिसीव हुआ है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया अमेरिका से, तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह आजकल तुम गाने भी गाने लग पे हो, तो उन्होंने मुझे साथ वो क्लिप भेजा, जब भेजा तो बस मेरी, तो मैंने कहा या अल्लाह अब मुझे कव्वाली में कोई नहीं बुलाएगा, तो अगर गाना भी ना चला तो घर में आ जाऊंगा। लेकिन बात सच है खान साहब, गाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और वो बहुत बड़ा हिट हुआ, मैं सुनाता हूँ जी। मेरा ढोला डाडा सोना इहदे जिहा ना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना इहदे जिहा ना कोई होना, असी रावां च खलाईए ओहदे तक ना पवे, ढोले नूं काला सूट सोना लगे, ढोले नूं काला सूट सोना लगे, ढोले नूं काला सूट सोना लगे, ढोले नूं काला सूट सोना लगे। सोने सोने ने मेरी जान कड लैन, इत्थे मैनू मिल जावे मिले जिंदगी नू चैन, कदे कठे असी पईए मजे जिंदगी दे लईए, कदे कठे असी पईए मजे जिंदगी दे लईए, साडे दोवां विच अल्लाह करे विथ ना पवे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट सोना लगे। ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर, उन्हों जिंदगी दा साथी ए बनाउणा मैं जरूर, अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जा, सामने रवे, ढोले नू काला सूट सोना लगे, ढोले नू काला सूट
मुझे ये बताइए खान साहब कि नुसरत फतेह अली खान के साथ आपका क्या ताल्लुक है?
वो मेरे फर्स्ट कज़न थे और हम एक ही दादा की औलाद हैं। वो जब माइग्रेट हुए जलंधर से तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे अहमदीन दीन मोहम्मद खान साहब वो पाक पतन शरीफ आ गए, मेरे वालिद साहब उस्ताद मियाँ दाद खान साहब, और दूसरे जो मेरे दादा थे फ़तेह अली खान मुबारक अली खान और मेरे कज़न नुसरत फ़तेह अली खान, ये फैसलाबाद आ गए। तो फिर मेरे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बाबा साहब का वहाँ पर दरबारी कवाल का उनको ख़िताब मिला और बाकायदा वहाँ पे कवाली करते रहे, और ये दूसरे बुज़ुर्ग भी हमारे फ़तेह अली खान मुबारक अली खान भाई नुसरत फ़तेह अली खान सब उधर आके हजूर बाबा साहब में हाज़िरी देते रहे। तो हम एक दूसरे के नुसरत फ़तेह अली खान के आप फर्स्ट कज़न हैं और उन्होंने इंडिया में इतने काम किए, इतने उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, तो कभी आपको इंडिया से ऑफर आया? जी जी बिल्कुल, उन्होंने इंडिया में नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में किया काम, और इंडिया में मुझे भी ऑफर थी, मैंने भी काम किया। एक फ़िल्म थी वागा, उसमें मैंने म्यूज़िक दिया, फिर उसके बाद एक कवाली है मेरी उसमें, फिर मैंने दो गाने जो है इंडिया की कोई फिल्म थी उसके लिए पिछले ही 3-4 साल की बात है शारजा में दुबई में जाके रिकॉर्ड करवाए मैंने, लेकिन बैड लक लगा लेके उसके बाद फिर वो ये हुआ कि वो बैंड हो गया सारा सारा कुछ, उन्होंने हाँ जी उन्होंने कहा जी काम किया बड़ा उनके लिए भी किया इंडिया के लिए भी किया, लेकिन वो बात ख़त्म हो गई है। वो पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह है कि हम कहते हैं भी हम परदेश से बेहतर है कि हम अपने पाकिस्तान में, क्योंकि इधर टाइम नहीं है, कवाली नाइट इतना काम है कि अब उधर जाने। रमजान भी आपका बहुत मसरूफ गुजरा इसी हवाले से, तो अभी कुछ कवाली अगर रमजान में सबसे ज्यादा पॉपुलर ये सबका काम बंद होता है, इनका चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ जी सबका चले। तो खान साहब की बात हुई है तो उनका मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको उनको डेडिकेट कर रही हूं सिर्फ फतेह अली खान साहब को। चले वो कहे किच इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रो रो के अभी रात बहुत है, आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहां जाओगे बरसा बहुत है। अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं, आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं, कोई हंसे तो तुझे गम लगे हसीना लगे, के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगे ना लगे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे, तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़गी, मोहब्बत की राह में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, वफाओं की
हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखना, हमें भी तुम न बना कर तो देखो। और क्या काम है। ईद पे क्या रिलीज किया? ईद पे तीन चार गाने, क्योंकि मेरे तीन चार चैनल्स है, मलकू स्टूडियो, MMC और मलकू रिकॉर्ड्स, तो बहुत सा काम करते हैं। और सेकंडली मेरा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए जिनके पास, मतलब वो जिस दौर से खास हम गुजरे हैं जी जी, कि काम है लेकिन करना आता है बट वो फाइनेंशियल डिस्टर्ब, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है कि जो कुछ नहीं करते वो आके कमाल कर जाते हैं, उनके लिए गाने, उनके भी गाने आ रहे हैं, न्यू सिंगर्स के भी, और हमारे दो गाने आ रहे हैं, सारा का और मेरा एक आ रहा है, ईद का गाना है, अगर वो है ईद का गाना सुना दे, ईद का गाना है, ईद का मौका है, ईद का, लेकिन वो मैं अभी उसका टिकटॉक लगाया है तो लोगों ने फिर वो कासम के बक तरफ ले गए, बट मैंने तो ईद का गाना गाया है। अच्छा, ये गाना जो आप गाने लगे वो ईद के लिए, ईद के हवाले से सारे दोस्तों के लिए है, और जो समझते हैं जिनके लिए है वो समझ लें। बिल्कुल बगैर
इमोशनल गाना। और जब स्टोरी बड़ी मजे की, इस गाने को जब ये लिख रहे थे तो सारी टीम इकट्ठी थी स्टूडियो में, तो जब गाना लिख लिया इन्होंने, कॉम्पोजिशन बन गई, पूरी लिरिक्स कम्प्लीट हो गई, तो हम लिटरली सब रो रहे थे, क्योंकि जाहिर है जो हर हवाले से इमोशनली डैमेज होता है वो फिर अपने उन इमोशंस को वो करते हुए पूरा, तो बहुत रोए थे। मैं अभी भी थोड़ा कंट्रोल किया इमोशंस की आप बात करिए जी। गुलकार ऐसे नहीं बन जाते जब तक दिल ना टूटे, ऐसी आवाज जो है ना, ये जो सुर रही है, जो आवाज है, दिल से निकलती है। सिंगरों के बहुत, तो क्या कभी दिल टूटा? किस उम्र में टूटा? चलिए जी, टोन में टोन बताइए इनका, तो आपने किस उम्र में टूटा? एक दिन में 2-4 दफा टूटा। अच्छा, लेकिन अगर देखा है तो फर्स्ट यही आते हैं। खान साहब, आपका दिल कब टूटा? मेरा तो बाईपास हो गया, रास्ते बंद कर दिए। नहीं, खान साहब बड़े सारा, अब सारा की बारी आ गई, सारा की बारी है। सारा जी आप बताइए। मेरा नहीं, मैं अपने काम से इतनी ज्यादा, मैं इन चीजों में रही नहीं हूं। टिपिकल एक जवाब होता है सबका। आप इतनी फेमस हो गई है माशाल्लाह, और नाउंड सिंगर है पाकिस्तान। अब दिल तोड़ रही है काफी लोग। बट मैं एक बात बताऊं, ये बड़ी एक डिफरेंट सी बात होगी टीवी चैनल पे आज कह रही हूँ। मैं एक मलंग टाइप की इंसान हूँ, मेरा इन चीजों में ना तो कोई रुझान है, मेरा काम है और मैं सिर्फ इबादत में इन्वॉल्व होती हूँ, दैट्स इट। सेकंड कोई चीज ही नहीं है मेरी। ऑब्वियसली फैमिली है, बट इन चीज़ों के लिए अपने आप को एक्सप्लॉइट करना, और ऑब्वियसली जब स्टारडम में आता है इंसान, बहुत सारे लोग ज़्यादातर तो आपकी खुशामद कर रहे होते हैं, तो बेहतर है कि आप बचें अपने आप में और अपने रब के साथ एसोसिएशन आपकी कायम रहे तो बेहतर है। यानी कि दिल नहीं टूटा आपका? नहीं, मैं दिल देखें, एक हज़रत अली का फरमान है कि लोग दुख नहीं देते हैं, उनसे जो वाबस्ता उम्मीदें होती हैं वो दुख देती हैं, तो अब मैं उम्मीद ही नहीं रखती हूँ। तो आप बताइए। तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, तेरी जुदाई चल नहीं हुंदी, मुश्किल जाइए हल नहीं हुंदी, अगे पिछे बड़ियां सोचां, तू सामने आवे ते गल नहीं हुंदी, तेरे सामने गल नहीं हुंदी। वाह, जग तो मैं अवली हो गई सजना पीछे चली हो गई, प्यार दिखे न खेडियो कुड़ियो, मैं भी खेड के कली हो गई, तेरी जुदाई चलने मुश्किल जाइए हल नहीं, अगे पिछे वे माया वे बड़िया ही सोचा, अगे पिछे वे बड़िया ही सोचा,
तू सामने आवे ते गल नहीं हुंदी तेरी जुदाई चल नहीं दी। इसका शेर बहुत अच्छा है कि तसीन कल दा वादा किता कल दा वादा मुदता कल नहीं दी तेरी जुदाई चल नहीं दी। सजना तेरी जुदाई चल नहीं दी। ईद मुबारक मैनू कहियो नाही जिस ईद च पवे जुदा ईदोना जना दीद सजना दे बजो दीदो ईद नकाई इस ईद सईद शहीद चकीता डाडी गुजरी कर दे चलाई यार फरीदा हो दो दांत जद विछड़े समाही तेरी जुदाई चल नहीं। वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है कमाल सामने आया तो गल क्या बात है कमाल है। जाते जाते ये बताएं कि कुछ हमारे नाज़रीन को ईद का क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ईद का यही मैसेज है कि पहले जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया है कि अपनों के साथ मिलना ईद है, और मैं एक बात लाजमी करूँगा कि जो हसद है ना या जिसको हम अकड़ कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ जब पता है चंद लम्हों की दुनिया है, हम लम्हे ही होते हैं इंसान के लिए, तो सदा तो रहना नहीं है। वाह सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा नहीं रहना ये हर बंदे को पता है, चले जाना ये भी पता है, हर चीज़ का पता होने के बावजूद फिर का बंदा कहे कि मैं उठ के सलाम करूँ, मैं उठ के मिलूँ, मैं जाके अब उसको मनाऊँ, मैं अच्छा ये तो ये चीज़ें प्लीज़ इससे अल्लाह पाक दूर रखे। मैं हाथ जोड़ता हूँ जो लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे कोई जब भी कोई पूछता है ना कि क्या राज आप जब भी देखिए इस तरह, मैंने कहा एक ही राज है, मैं किसी से जलता नहीं हूँ, हसद नहीं है। अच्छी बात है। कोई कवाल है, कोई सिंगर है, देखे जिस तरह हम अपने स्ट्रगल दौर में मलकू साहब को पता होगा कि हम भी दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें भी इज्जत दें, हमें भी स्टार बनाएं, तो किसी ने तो हमें जगह दी थी ना वेलकम करने के, हम भी दें। हमारी तो फील्ड भी ऐसी है, हर दिन एक आपको दुआ देंगे। और हम मैं फनकारों के लिए ये मैसेज देता हूँ कि प्लीज अपना जो कलेजा है बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें और वेलकम करना सीखें, और कहें कि अल्लाह पाक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कोई अगर कोई आप लाते हैं तो आपका शुक्र है अल्लाह पाक, जिस तरह आप कहीं कभी गरीब होंगे वो भी कहीं गुर्बत में मारा होगा वो भी दुआएं कर रहा होगा, तो जब वो उसी स्टेज पे आएगा तो आप उसको प्लीज उससे जेलस ना हो बल्कि उसको वेलकम करें, रास्ता रोकना नहीं चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए, रास्ता बनाना चाहिए। मलकू साहब आपका पैगाम। बिल्कुल मेरी तरफ से ईद मुबारक, और कोशिश करें अपने जो रूठे हुए दोस्त हैं बहन भाई हैं उनको मनाएं, और अपने पेरेंट्स को स्पेशली बाप को गले लगाएं, जप्फी डालें, क्योंकि इजहार नहीं कर सकते तो कहें कि पापा आई लव यू, उसका दिल बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी हस्ती है। अगर कोई नाराज़ है उसको जाके मना लें। ईद का मतलब ही यही होता है कि अपनों को मनाएं, रूठों को मनाएं, टाइम नहीं मिलता तब भी, और कोई वही खान साहब वाली बात कि अगर आप इसको पहल करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका कद और बड़ा होता है और दिल बड़ा करें अल्लाह की नज़र में। हाँ इसलिए आप मेरे सीनियर्स हैं, इस बात को मैं भी सेकंड करूँगी कि एक फरमान भी है कि अकड़ना मुर्दों की निशानी होती है, तो अगर आप जिंदा हैं और अकड़ दिखा रहे हैं तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। और हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह हिदायत दे और दूसरों के लिए मोहब्बत बांटने की तौफीक अता करे हमें सबको, और जितने रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जो खो गए हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं, जो हैं उनकी कदर करें, बिल्कुल कदर करें। इमरान साहब मैं चाहूँगी कि सारा जाते जाते एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनाते हैं, खूबसूरत सी आवाज़ में। जी जरूर जरूर।
मेरी मजबूरी उनु समझे ना वे प्यार मेरे दियो कदर ना पावे कली छड़ मेनु संग गैरा दे जावे असा 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 मनाव न कोई नी हावे जिदे नखरे बिखावे असा मनाव न कोई नी भावे जिदे नखरे बिखावे अजकल उची बड़ी ओदी परवाजे मैनू भी अपने हुसन ते नाजे हुसन ते नाजे बस मेरा दिल क्यों तोड़े मुँह मेरे तो क्यों मोड़े देख के नवियां कुड़ियां हाथ मेरा ताइयों छोड़े चंगी गले हो मैनू भुल ही ओ जावे दस दियो इनू मैनू मुँह ना विखावे असा 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 मनाव न कोई नी भावे जिडे नखरे बिखावे असा मनाव न कोई नी भावे जिडे नखरे बिखावे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारा जी मल्कू भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर मियां दाद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है सब मिलके कहेंगे ईद का समा की जानिब से सबको ईद मुबारक।